भागलपुर पुलिस ने चावल व्यवसायी से लूटकांड का किया सफल उद्भेदन, 5 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के ललमटिया थाना अंतर्गत पीपरपाती में चावल व्यवसायी गौतम भगत से 5 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन किया। पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 3 युवकों और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए 89,000 रुपए, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले अभिजीत कुमार को गिरफ्तार किया। अभिजीत की निशानदेही पर अन्य आरोपियों जिसमें छोटू शाह, लखन यादव, बेबी देवी और मोहम्मद राजन शामिल हैं को भी पकड़ा गया। इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने प्रेस वार्ता में कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगभग 11 बजे सुबह लालमटिया थाना अंतर्गत पीपरपंती से नाथनगर जाने वाले रोड पे एक दुकान है, प्राची स्टोर, उनका मालिक का नाम है गौतम कुमार। उनका दुकान से 5 लाख रुपए का लूट हो गई का सूचना मिली है। सूचना मिलने पर तुरंत लालमटिया थाना SHO, सिटी DSP 2 उनके द्वारा घटनास्थल पहुंचकर तुरंत अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। घटना का गंभीरता लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम पे सिटी DSP 2, लालमटिया थाना SHO, नाथनगर SHO, मधुसूदनपुर SHO शामिल हैं। इस विशेष टीम और तकनीकी शाखा उनको सहयोग से चकमारी चलाया जा रहा था। चकमारी क्रम में इस घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी हुआ है अभियुक्तों को विवरण, एक छोटू साह, लखन यादव, अभिजीत कुमार और दो राजन और बीबी, ये 5 लोग को गिरफ्तार हुआ है। बरामदी हुआ सामान का विवरण, 89,000 लूटी गई रकम, लूटने के लिए प्रयोग किया बाइक, काला रंग का हेलमेट, मेरून कलर का बैग, लूट का दौरान पहने हुआ कपड़ा और मोबाइल 2 बरामदी हुआ है। इस घटना में शेष अभियुक्तों को भी जल्दी गिरफ्तार हो जाए।